अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं KN24 HD न्यूज। कराची में JDC का बड़ा किरदार, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ्री रेस्टोरेंट कराची जिना अस्पताल के बाहर लगा दिया गया। कराची JDC की कारकर्दगी पर KN24 HD न्यूज के CEO इमरान अजीज राजा, चेयरमैन जफर अब्बास और जेबा शहनाज से मुलाकात, मुबारकबाद दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुमैरा खान और आप देख रहे हैं KN24 HD न्यूज कराची। कराची में JDC का सबसे बड़ा किरदार, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ्री रेस्टोरेंट कराची जिना अस्पताल के बाहर लगा दिया गया। रमजानुल मुबारक की पहली सहरी अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों के अलावा यकीन और हर आम खास ने इस रेस्टोरेंट में बड़े ही इत्मीनान के साथ सहरी की। JDC की जानिब से खाने पीने में आवाम के लिए हर तरह के लजीज खाने और फ्रूट फ्रेश जूस मौजूद थे। इस रेस्टोरेंट की सबसे ज्यादा खुशी की लहर जिना अस्पताल के मरीजों के लवाकीन में देखी गई। इस मौके पर चेयरमैन जफर अब्बास, जेबा शहनाज साहिबा ने मीडिया से बातचीत भी की। में जिस तरह पाकिस्तान का नाम दुनिया में सफ़े अव्वल में होता है, 58 फीट का दुनिया का सबसे लंबा फ्री मोबाइल रेस्टोरेंट आज कराची ने बनाया, पाकिस्तान ने बनाया JDC ने। और ये कंटेनर जो है ये GFS बिल्डर और वेलफेयर एड के ताबुन से बना है। GFS बिल्डर ने कंटेनर दिलाया है, वेलफेयर एड वालों ने बनवाया है इसको अंदर से। इस कंटेनर में तीन बड़े होटलों के काम करने वाले शेफ़ मौजूद हैं जो रमज़ानों के अलावा सुबह 8 से लेकर और दिन 11 तक नाश्ता बना के देंगे और दिन 12 से लेकर और रात 10 बजे तक यहाँ से खाना ना सिर्फ खिलाया जाएगा बल्कि खाना पार्सल की सूरत में भी दिया जाएगा। अच्छा, ये बात लिख दी गई है, रमज़ानुल मुबारक में यहाँ पर सुबह की सहरी का भी इंतज़ाम है, शाम में अफ्तारी का भी इंतज़ाम है और रात में खाने का इंतज़ाम है। चूँकि मिडिल क्लास की कमर टूट चुकी है, लोअर मिडिल क्लास की कमर टूट चुकी है, खाने का स्टैंडर्ड वही होगा जो JDC के बाकी तमाम दस्तरखानों के खाने का स्टैंडर्ड है। बेहतरीन किस्म के खाने होंगे, मशरूबात होंगे, शाम के औकात में चाय होगी और किसी किस्म की कोई एक रुपया किसी से नहीं लिया जाएगा। और हमारे इस कंटेनर पे लिखा हुआ है ना सिर्फ आप खाना खा सकते हैं बल्कि अपने साथ लेकर भी जा सकते हैं। आप इसका अंदर से मुआयना कर सकते हैं कि रीजेंट प्लाजा और रमादा के शेफ अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो पूरे सिंध भर से यहाँ आते हैं इलाज कराने और वो बेचारे अंदर भी नहीं जा सकते कोविड की वजह से। आम होटल वाले उनसे एक प्लेट दाल का 150-200 रुपया लेते हैं, वो बेचारे कहाँ से देंगे हफ्तों महीनों यहाँ पड़े में। उनके लिए खाने का भी इंतज़ाम है, पानी का भी इंतज़ाम है, मशरूबात भी हैं, चाय भी हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि अगर आम मुसाफिर भी कोई खाना मांगेगा, जितनी रोटी मांगेगा, जितना सालन वो हम देंगे अपने दीगर तमाम मोबाइल रेस्टोरेंट और दस्तरखानों की तरह। देखें, इस वक्त कोविड की वजह से किसी भी मरीज के अटेंडेंट को अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ इस रोड पे देख लें कितने मरीज अटेंडेंट फुटपाथों पे सो रहे हैं, उनके लिए एक नेमत है। रमजानुल मुबारक में मैं चाहता पहली सहरी अपने दूसरे दस्तरखानों पे आप लोगों को बुला के दिखा सकता था। यहाँ दिखाने का मकसद ही यही है, वो बेचारे जो रात को 10 बजे यहाँ के लेटे हैं कार्डियो के बाहर के, उनको टोकन मिलेगा सुबह 6 बजे, तो वो अपनी सहरी कैसे करेंगे? उनको तो टोकन का टाइम 6 बजे का बेचारों के, तो उनको ये सुकून होगा मैं 2-3 बजे रात में यहाँ आऊँगा, यहाँ नाश्ता भी करूँगा, सहरी भी करूँगा और अपने घर वालों के लिए भी ले जाऊँगा जो फुटपाथ पर बैठे हुए हफ्तों से महीनों से। तो हमारा मकसद तो ये है कि लोगों को खाना फराम करें। हमारे पास सिंध का सबसे बड़ा अस्पताल ये था, हमने पहले देखा कि क्या यहाँ इन अटेंडेंट्स के लिए खाने का एहतमाम है। जब हमने देख लिया इसकी ज़रूरत है, हमने यहाँ मोबाइल कंटेनर लगा दिया। जबर भाई ये बताएगा अंदर कितने लोग खाएंगे और खाना कितने लोगों के लिए बन रहा है, बाहर कितने लोगों को? देखें, इसका सिलसिला बिल्कुल वैसे ही है जैसे शाहीन कॉम्प्लेक्स, शारे फैसल पे हमारे मोबाइल कंटेनर हैं। इन कंटेनरों को खाना नाश्ता अंदर बना करेगा और जो खाना है वो हमारी मोबाइल जो गाड़ियाँ हैं वो लेकर आएंगी हमारे रेस्टोरेंट से। वहाँ से देखों के देखे बन के आएंगी, उनके पैकेट बने हुए होंगे, जो खाना चाहेंगे यहीं खाएंगे, जो लेकर जाना चाहेंगे लेकर जाएंगे। जफर अब्बास यही चलता है, JDC का नाम जो है लगता है कि पीछे रह गया, क्या वजह है? जफर अब्बास ज़्यादा मेहनत कर रहा है या कोई और? नहीं, JDC वेलफेयर फाउंडेशन का एतमाद है, JDC फाउंडेशन की कुर्बानियाँ हैं। JDC फाउंडेशन ने अपने ड्राइवरों के गनशॉट जनाजे उठाए, 5 ड्राइवरों के। JDC वेलफेयर फाउंडेशन ने अपने 2 एजुकेशन हेड्स के टारगेट किलिंग में जनाजे उठाए। बड़ी शहादतें हैं JDC फाउंडेशन की, जो एक दिहाई का सफ़र है, बहुत दर्दनाक सफ़र है। लेकिन JDC ने पहले दिन से ऐलान किया हुआ था हम किसी से उसका मजहब, मसलक, ज़बान, उसकी ज़ात, उसकी कौम नहीं पूछेंगे। हमें उस चीज़ की बहुत सज़ा मिली है लेकिन हम उस लाइन पे आज भी कायम हैं और आज भी खाने का वही स्टैंडर्ड दे रहे हैं जो घर में मैं अपने बच्चों को खिलाना चाहता हूँ, वही स्टैंडर्ड यहाँ पर अंदर दिया जा रहा है। हम चाहते आम किसी आम बावर्ची को रख सकते थे लेकिन हमने 5 स्टार होटलों के बावर्चियों को उनकी उन्हीं तनख्वाहों पर रखा है।
कि जिन तनख्वाहों में वो वहाँ पर काम कर रहे थे, आप उनके सर्टिफिकेट उनके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा आप लोगों का ताउन होना चाहिए, क्योंकि मीडिया इतनी मजबूत जगह है कि हर एक को कामयाब करने में आप जैसे लोगों का है। आप लोग आधी रात को भी खड़े होते हो बारिश में, मैं आप सबको सलाम करूंगी और कहूंगी कि जो हमारी कामयाबियां और हमारे मुल्क के लोगों की कामयाबियां वो आपके मरहूने मिन्नत है। अल्लाह आप जैसे बेटे और पैदा करें और अल्लाह आप लोगों की सेहत तंदुरुस्ती को बरकरार रखे और अल्लाह आपको हिम्मत दे। सब सहाबियों को मेरा सलाम है। तो क्या राशन और या शहरी का तमाम घर तक पहुंचाने का आपने रखा है? नहीं, घर तक पहुंचाने का सिलसिला नहीं है, राशन घरों तक जाएगा, उसकी पैकिंग का सिलसिला 5 तारीख को शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये सिलसिला डोर टू डोर जारी रहेगा। आए आप लोग अंदर से भी कवर करें, लेकिन कैसे पकड़ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी थोड़ी देर पहले जफर अब्बास भाई ने, जो चेयरमैन है JDC के, इन्होंने बताया कि यहाँ के आज माशाल्लाह जिना हॉस्पिटल में मरीजों के लिए और मरीजों के जो लवाइकिन हैं उनके साथ जो मरीज के साथ जो लोग होते हैं उनके लिए पहली सहारी के एहतमाम के लिए यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त एहतमाम किया गया है JDC की जानिब से। आप मेरे बैक साइड पर देख रहे हैं और जिस तरह से एहतमाम किया गया है सहरी का, यहाँ लोग जमा हैं और जो हॉस्पिटल में मरीज़ हैं उनके साथ जो लोग हैं और अंदरून सिंध से लोग आते हैं यहाँ पर, इसी दर्द को लेकर, इसी सारे मामलों को लेकर JDC यहाँ पहुँचा है और इन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा काम किया है जिसमें देखा जा सकता है कि यहाँ पर सब लोग बैठकर सहरी कर रहे हैं और पहला रमज़ान आज पहली सहरी है और पहले सहरी के मौके पर इन्होंने इफ्तिताह किया यहाँ पर दस्तरखान का, जो कि JDC की जानिब से पूरे कराची शहर के अंदर हर जगह दस्तरखान मौजूद है JDC का और हर जगह यही काम हो रहा है। हमारे नुमाइंदे इमरान अज़ीज़ राजा ने जब ज़ेबा शहनाज़ साहिबा से गरीब भूख से निढाल आवाम की बात की तो ज़ेबा शहनाज़ साहिबा रो पड़ी और क्या कहा, आप भी सुनिए उनकी ज़बानी। नाज़रीन, हमारे साथ ज़ेबा शहनाज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि JDC से हैं, हमें बताएंगी यहाँ दस्तरखान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत खुशी हो रही है आज माशाल्लाह से एक दस्तरखान का एहतमाम किया मरीजों के लिए, उनके लवाइकिन के लिए, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों की मेहनत है इसमें कोई शक नहीं है और अल्लाह की मदद शामिल है, JDC को अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी। अच्छा, ये जितने भी दस्तरखान देखे जा रहे हैं और माशाल्लाह से JDC का पैनाफ्लेक्स तमाम चौरंगियों पे मैंने देखा कि वहाँ दस्तरखान लगे हुए हैं, तो इस वक्त जो है सहरी जो है तमाम दस्तरखान पर हो रही है? सारे दस्तरखानों पे सहरी हो रही है, सारा साल इन दस्तरखानों पे खाना होता है, सारा साल जो यानी सुबह दोपहर का और रात का खाना चलता रहता है, फिर जब ये हम लोग रमज़ान आता है तो रोज़ा और सहरी में काम करते हैं। देखिए, हमारा मुल्क इस वक्त बड़ी मुश्किलात में है। आप देखिए, ख़वातीन अपने बच्चों को जहर दे के मार रही हैं, क्या रोटी इतनी ज़्यादा वो हो गई है, इतना बड़ा मसला हो गया। जब लोग ये कहते हैं ना कि यार सिर्फ रोटी के लिए क्यों, तो अगर देखा जाए तो हमारी कहानी तो रोटी से शुरू होकर रोटी भी ख़त्म हो रही है। सोचना चाहिए क्यों माएँ अपने बच्चों को जहर दे रही हैं। किसी के घर की खुशबू, किसी के घर से कोई रोटी की खुशबू आ रही है तो माँ तड़प रही है, तो सोचने वाली बात है ना। तो अगर देखा ना, कर रहा है कुछ तो उसको चाहिए कि उसको अप्रिशिएट भी करें, उनका साथ दें। और मैं कहती हूँ दुनिया में जहाँ कोई हमें देख रहा है, आप लोग JDC के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें खुशियाँ बांटने के लिए, और ये सोच के कि हम लोग सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। हम अपने मुल्क अपने शहरों को चाहते हैं कि कोई घरों में भूखा नहीं सोए, बस एक ख्वाब है हमारा। देखा नाज़रीन आपने कि शहनाज़ साहिबा, ज़ेबा शहनाज़ साहिबा किस कदर इनकी आंखों में आंसू और अपने गरीब मुस्तहिक भाइयों के लिए दर्द, ये है इनका एक सबूत, सच्चाई की अलामत। अल्लाह ताला ने जब ही इन्हें इतनी इज्जत से नवाजा और माशाल्लाह से ज़फ़र अब्बास साहब जो चेयरमैन है माशाल्लाह JDC के, उनकी भी बड़ी मेहनत रही पिछले दिनों, हमने लॉकडाउन में देखा ज़ेबा शहनाज़ साहिबा को और ज़फ़र अब्बास साहब को, इनका पूरा अमला, पूरी टीम को हमने देखा कि कराची शहर में बहुत काम किया, कराची शहर से बाहर बहुत राशन पहुंचाया, ये हमने खुद देखा पिछले लॉकडाउन में, रमज़ान शरीफ में भी देखा गया। माशाल्लाह से बहुत अच्छी कारकर्दगी और आज आपने साबित कर दिया, आपके आंखों में जो आंसू अभी मैंने देखे हैं इस बात का सबूत है, इस बात का कि आप अपने पाकिस्तानी भाई और मुस्तहिक लोगों के लिए बड़ी मोहब्बत रखते हैं। देखिए, मुझे पाकिस्तान ने इज्जत दी, पहचान दी, आप लोगों की दुआ से इस साल सदर पाकिस्तान ने मुझे तमगा इम्तियाज़ दिया। आप बताएं ये सारी चीज़ें, ये खुशियाँ हैं, तो क्या हम अपने मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे? हमें चाहिए हम पाकिस्तान के बेटे बेटियाँ बनके
अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लिए सोचें। मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग अपने लिए सोचते हैं, जब इस मुल्क ने हमें इतना कुछ दिया है हम क्या मुल्क को लौटा रहे हैं। तो अपने लोगों को ही खुश रख सकते हैं ना। मेरी ज़ात ने दुनिया को हमेशा खुशियाँ मुस्कुराहटें दी हैं। अब मैं चाहती हूँ घरों में भी मुसरतें मिले, मेरे इस वेलफेयर के काम को अल्लाह कबूल कर ले, और आप जैसे भाई जिस तरह अप्रिशिएट करते हैं इसी तरह मैं हंसते हुए इस मुल्क से और इस दुनिया से जाऊँ। अच्छा, ऐसे ये राशन का सिलसिला रखा है इस दफ़ा के गरीब मुस्तहिक लोगों में राशन भी? बिल्कुल बिल्कुल, हम दूसरे दिन से राशन का भी ये काम कर रहे हैं। अभी सारा दिन हम राशन की तकसीम के वो करेंगे और राशन भी गरीबों में ईद का ईदी का कोई सिलसिला है का भी करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ेबा पूरी करेंगे। ज़ेबा शना साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खुशी मिलकर। नाज़रीन देखा आपने ज़ेबा शना साहिबा की सच्चाई हकीकत और इन्होंने जो बयान किया माशाल्लाह से। JDC इस वक्त यही काम कर रहा है, हमारी जो कैमरे की आँख देख रही है, हमारी पूरी टीम माशाल्लाह से फोकस कर रही है। कराची शहर में JDC का एक अच्छा किरदार साबित हो रहा है। जो मुस्तहिक लोग हैं सब दुआ गो हैं, जिस तरह से आज इसमें जिना हॉस्पिटल में जिस तरह से ये काम अंजाम दिया JDC ने, ये एक काबिल तारीफ है। जी नाज़रीन, मैं हूँ इमरान अजीज़ राजा, Kain24 HD News, कैमरामैन अमजद अली के साथ। इतना ही, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए Kain24 HD News कराची।